उन्होंने सच्चाई को सामने लाया है और मुस्लिम भाइयों को बड़ा दिल करके बात माननी चाहिए। ये सब औरंगजेब वगैरह के डर से ये बने हैं। औरंगजेब जो है पुरुषों के लिए 4 रुपए देता था और औरतों के लिए 2 रुपए देता था कन्वर्ट करने के लिए, और वो मुसलमान में कन्वर्ट हो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं यहाँ पर कुछ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि गुलाम नबी आजाद ने एक स्पीच दिया कि पहले भारत में जितने आज भारत में जितने मुस्लिम हैं पहले वो हिंदू थे, हिंदू से कन्वर्टेड मुस्लिम है। इस पर पूरे देश में बहुत बहस भी चल रही है, काफी मुसलमान नाराज भी हैं क्योंकि ये सच्चाई है और सच्चाई कुछ लोगों को हजम नहीं भी होती, लेकिन सच्चाई यही है। उन्होंने कहा है इस बात को, मैं तो नहीं कह रहा हूं, गुलाम नबी आजाद ने कहा है इस बात को। तो आज मैं आपको दिखाता हूं कि जो हमारे देश के वरिष्ठ सिटीजन है उनकी इस पर क्या राय है, क्योंकि उन लोगों का ज्यादा अनुभव है, धर्म और मर्यादा सब पर उनका ज्यादा पकड़ है। इसलिए देर ना करते हुए मैं आप लोगों को दिखाता हूं। सर आपका गुड नेम? आईडी दुबे। दुबे सर ये बताइए कि गुलाम नबी आजाद जी ने एक स्पीच दिया है कि भारत में जितने मुसलमान हैं वो पहले हिंदू थे, हिंदू से कन्वर्टेड मुसलमान है वो, इस पर आपकी क्या राय है? आदरणीय गुलाम नबी आजाद साहब बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं कांग्रेस के, कई बार सांसद रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने सच्चाई को सामने लाया है और मुस्लिम भाइयों को बड़ा दिल करके बात माननी चाहिए, क्योंकि कोई भी बात वो तब तक नहीं लाते हैं जब तक वो सच नहीं होती है। और ये सच है कि इससे पहले सभी सनातनी थे, सभी हिंदू थे, हिंदुओं से जो मुगल आए उन्होंने जो इस्लाह करके इस्लाम को स्थापित किया और उसी के आधार पर हिंदू ही मुस्लिम बन गए, जिसे गुलाम नबी आजाद साहब ने स्वीकार किया है। अच्छा ये बताएं कि पहले गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, जम्मू कश्मीर के सीएम भी रह चुके हैं और पहले सेकुलरवादी नेता भी माने जाते थे, लेकिन आज जब वो अपनी अलग पार्टी बनाए हैं पॉलिटिक्स पार्टी, तो आज क्यों इतना उदारवादी हो गए? पहले क्यों नहीं, पहले कांग्रेस में रह के क्यों ऐसा स्पीच नहीं दिए, इस बारे में क्या कहना आपका? इसमें ये कहना है कि कांग्रेस सब जानती है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उनका अपना एक सोच नजरिया अलग रहता है। वो अपनी पार्टी को किन्हीं मुद्दों पर ले जाकर छोड़ देते हैं जिससे कि वोट बनता रही, वोट बैंक की राजनीति रही। गुलाम नबी आजाद साहब जब से जम्मू कश्मीर गए हैं जाके उन्होंने देखा है कि 370 खत्म होने के बाद अमन चैन की स्थापना हुई है और लोग जो है जीवन को बड़ा व्यवस्थित रूप से जी रहे हैं, सरलता से जी रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा आपको कि वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए एक गेम खेला उन्होंने कि ताकि इससे हमारा हिंदू वोट भी कंप्लीट होगा, क्योंकि धारा 370 वहां से हट चुका है, तो उनको ये लग रहा होगा कि इससे अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो हमको हिंदू भी वोट देंगे, क्योंकि पहले तो उन्होंने कभी ऐसी उदारवादी नीति तो अपनाया नहीं। इसमें सच्चाई है कि उन्होंने जो है हिंदूवादी नेता होने का प्रदर्शन किया कि हम भी हिंदू थे, हम मुसलमान हो गए तो क्या बात है, लेकिन हम लोग एक ही है, हमारा डीएनए एक है। इसलिए उन्होंने अपनी जो है बात को रखने के लिए, बोर्ड को बनाने के लिए, बोर्ड को साधने के लिए ऐसा बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। शुभ नाम साहब? एनसी जैन। जैन साहब ये बताइए कि गुलाम नबी आजाद साहब स्पीच दिए हैं कि पहले जितने आज जितने मुसलमान है पहले हिंदू थे, उस पर आपकी क्या राय है? वैसे तो इतिहास बताता है कि हम लोग मुसलमानों के ने बहुत समय तक हमारे देश पर राज किया, तकरीबन 400 साल के करीब राज किया, और इसमें इतिहास खुद बताता है कि बहुत सारे हिंदू मुसलमान बन गए थे अपनी सुविधाओं को देख के, या जो अंग्रेज जो मुसलमान राजाओं ने उनसे अत्याचार किए उनको वो सहन नहीं कर पाए और वो मुसलमान बन गए थे। ये तो इतिहास में हर जगह लिखा हुआ है, तो इसमें कोई नई बात उन्होंने नहीं की, ये बिल्कुल सच्चाई है कि यहाँ पर जितना मुसलमान है पहले वो बेसिकली हिंदू ही था। अच्छा ये बताइए कि पहले तो जब वो कांग्रेस में थे तब तो कभी ऐसा स्पीच दिए नहीं, लेकिन आज जब वो नवी पार्टी बना ली, अपनी पार्टी बना ली, तब वो इतने उदारवादी कैसे हो गए, इस पर आपका क्या कहना?
पार्टी के डिसिप्लिन अलग होते हैं, कांग्रेस का डिसिप्लिन अलग था, वो अपने डिसिप्लिन में चल रहे थे और उसमें इतनी स्वतंत्रता नहीं होती कि आप जो मर्जी बोल दें। अब उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई है, अलग फिलोसफी है, अलग सोच है, तो उसके अनुसार वो बोल रहे हैं। इसमें वो अपना फायदा नुकसान देख रहे हैं, राजनीतिक नुकसान फायदा भी देख रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि वो अपना पर्सनल जैसे फायदे के लिए बोल रहे हो कि जैसे उनकी अपनी पार्टी बनी है तो ऐसा शब्द बोलने से हिंदुओं की भी सिंपैथी उनको मिलेगी और हिंदू भी उनकी उनसे काफी इंप्रेस होंगे, ऐसा लग रहा है? हाँ बिल्कुल अच्छा लग रहा है, वैसे ठीक लग रहा है अगर उन्हें लाभ मिलता है इस बात का और वो अगर हिंदुओं को इस तरीके से समझते हैं और वो अपने आप को भी हिंदू के बराबर समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अच्छा ये बताइए तो क्या आपको लग रहा है कि आगे भविष्य में हिंदू वोट पर उनका ज्यादा पकड़ हो सकता है इस बात को बोलने? नहीं नहीं ऐसा कुछ ज्यादा नहीं पकड़ होगा, वैसे आगे एक कोई स्टेटमेंट कोई कुछ दे रहे उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो तो आगे देखा जाएगा कि उसकी उनके अपने कारनामे कैसे हैं, वो किस क्या नीति है, क्या वो सब देख के लोग आजकल भी। अच्छा ये बताइए कि अगर वो अच्छे काम करते हैं हिंदू मुस्लिम सबके लिए तो क्या आप उनको वोट देंगे? नहीं वो मेरी तो मैं तो कैंडिडेट्स को देख के वोट देता हूँ, असल में अगर कैंडिडेट डिजर्व करता है कि पार्लियामेंट में जाए या असेंबली में जाए तो उसके अपने गुणों को देख के करता हूँ, पार्टी के हिसाब से नहीं। अगर वो अच्छा कैंडिडेट यहाँ उतार देते हैं तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? हाँ कैंडिडेट को हम वोट देते हैं, मतलब अच्छे कैंडिडेट को वोट देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपका शुभ नाम? बीपी सिंह। सिंह साहब ये बताएं जैसे कि गुलाम नबी आजाद साहब स्पीच दिए हैं कि पहले जितने आज जितने हिंदू मुस्लिम हैं पहले हिंदू थे, इस पर आपका क्या कहना? ये तो फैक्ट है कि जो कन्वर्टेड है सारे मुसलमानों से हिंदुओं से ही मुस्लिम बने हैं, कोई जबरदस्ती बनाए गए हैं, औरंगजेब ने तो बहुत जबरदस्ती बनाए हिंदुओं को मुसलमान बनाने में उनका सबसे बड़ा हाथ है, वो पैसे भी देते थे, अगर कोई पैसे से नहीं मानता है तो जबरदस्ती भी उसको कन्वर्शन के लिए बोलते थे और उसी दौरान में ये सारे कन्वर्शन हुए हैं, उसके बाद तो कोई ऐसा कन्वर्शन कुछ अपनी मर्जी से होता है जो भी वो जबरदस्ती वाली बात। अच्छा ये बताइए कि जब कांग्रेस में थे तो कांग्रेस के अंदर तो आज तक किसी नेता ने ऐसा नहीं बोला, क्यों ऐसा, उनको क्या डर लगती है इस बात? कांग्रेस की अपनी वो है, कांग्रेस में बोलने वाले तो सिर्फ एक ही फैमिली है, दूसरी फैमिली तो कोई इतनी महत्ता वो देते नहीं है कि भाई वो अपनी इनकी पॉलिसी को चेंज कर दे, तो जो भी है जो वो डिसाइड करते हैं उसी के दायरे में रहना पड़ता है, अगर वो बाहर जाएंगे तो फिर पार्टी से ही जाएंगे। सर आपका गुड नेम? मेरा नाम ओंकार सिंह भाटी है जी। भाटी साहब ये बताएं कि जो स्टेटमेंट गुलाम नबी आजाद साहब दिए हैं जम्मू कश्मीर में कि पहले आज जितने मुस्लिम हैं पहले हिंदू थे, तो इस पर आपका क्या कहना? ये तो सच है, हमारा इतिहास गवाह है, हमारे इतिहास में भी ऐसा हमको मालूम होता है कि पहले ये सब कन्वर्ट ही हुए, पर हिंदू ही थे सब, उन्होंने गलत नहीं बोला। और ये भी बात जरूरी है कि वो अच्छी संस्था में आ गए, अब अच्छी जगह पे आ गए तो इसलिए उनको बोलने का ध्यान आ गया और वो सही बोल रहे। ऐसा नहीं है कि अपनी वोट बैंक के राजनीति के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं कि हमारा वोट बैंक ताकि हिंदुओं का भी सिंपैथी हमको मिल जाए? देखो सिंपैथी की बात ऐसी है कि उन्होंने जो ये कहा है शब्द हिंदू मुस्लिम के बारे में ये तो अच्छा कहा है, आगे कोई और अपनी अपनी सोच है अलग अलग कि कोई किस नजरिए से सोचता है वैसे वो इस टाइम सही बोले है। अगर ये मैं जो आगे और बढ़ा के कहता हूँ कि अगर ये हमारे मुस्लिम भाई समझ जाएं तो हमारे देश का रगड़ा झगड़ा सब खत्म हो जाए और देश में रामराज आ जाए दोबारा से, तो आपका कहने का मतलब कि उनका जो भी कहना है बिल्कुल ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, और हमारे इतिहास में जब आप पहले से ही ये मुस्लिम नहीं थे हिंदू थे जो कन्वर्ट हुए, आज भी हमारे एरिया में गौतम बुद्ध नगर से आगे कितने गाँव है जिनको अजवरिया मुसलमान कहा गया है जो आधे काम हिंदुओं के करते हैं, आज भी कब आए, मतलब उनके पूर्वज हिंदू थे तो अपने पूर्वजों का कुछ ना कुछ अनुसरण करते हैं। हाँ पूर्वज तो हिंदू ही से, बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या बात है। जैसे इंडोनेशिया है आज मुस्लिम राष्ट्र है लेकिन वहाँ आज भी रामलीला होता है और वहाँ के लोग कहते हैं कि हमने धर्म बदला है संस्कार नहीं, वहाँ की जो महारानी की लड़की है वो फिर दोबारा हिंदू धर्म ग्रहण कर ली, बोली कि हमारे पूर्वज जो है वो हिंदू ही थे क्योंकि पहले इंडोनेशिया में किसी टाइम हिंदू धर्म ही था, तो इससे साफ है कि मतलब ज्यादातर लोग हिंदू ही थे,
हमारा सनातन धर्म है, हमारा सनातन धर्म बहुत गहराई लिए हुए है, बहुत गहरी जड़े है, और एक दिन लौट के ये बात जरूर आएगी आगे कि सनातन धर्म की जय जयकार होगी, और कुछ लोग देर सबेर मानेंगे लेकिन मानेंगे जरूर। मतलब आपको लग रहा है कि सत्य सनातन ही है? हाँ, सत्य सनातन ही है, पहले से युगों के हिसाब से भी, जो हमारे चार युग आए उसके हिसाब से भी सनातन धर्म सर्वोपरि है। सर आपका शुभ नाम? कमल कुमार कोहली। कोहली साहब, ये बताएं कि जो स्टेट दिया गुलाम नबी आजाद साहब ने कि पहले जितने आज जितने मुस्लिम है पहले हिंदू थे, इस पर आपका क्या कहना? ज्यादातर लोगों का यही ख्याल है पहले सब हिंदू ही थे, ये कन्वर्टेड है मुसलमान जो है, लेकिन इनको अभी थोड़ी देर से याद आया गुलाम नबी आजाद को। नहीं, गुलाम नबी आजाद अपनी जब पार्टी बनाया तभी तो नहीं, क्यों उदारवादी नेता बन गए, इसके पहले क्या क्यों नहीं बने, इस पर क्या कहना आपका? पहले वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस की अपनी लाइन थी, उस लाइन के बिना तो बोल नहीं सकते आप जिस पार्टी में हो, अब वो पार्टी से अलग हो गई इसलिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, वोटों का चाहे राजनीति तो बोलते ही वो है, पॉलिटिशियन तो वही है जो वोटों के चक्कर में बोलते ही आता। नहीं, आपको लग रहा है कि गुलाम नबी आजाद साहब अगर भारत में, पूरे भारत में उनकी पार्टी आ जाती है तो क्या आपको लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके अच्छी तरह से चलेंगे और सबके लिए काम करेंगे, ऐसा आपको लग रहा है कुछ? नहीं, इतनी बड़ी पार्टी नहीं, इतने कैंडिडेट कहाँ खड़ा करेंगे दोस्तान? जैसी सोच उन्होंने रखा है समाज के सामने, ऐसा आपको नहीं लग रहा है कुछ सभी धर्मों को लेकर साथ में चल सकते हैं? ऐसे और भी नेता है जो हिंदुओं को सपोर्ट करते हैं, किस किस को वोट देंगे, वो तो कैंडिडेट देख के देते हैं वोट लोग, तो कौन सी पार्टी है, कौन सा कैंडिडेट है, ये तो नई नई पार्टी है, अभी देखो क्या करते हैं, तो उसी हिसाब से वोट देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम साहब? सुरेंद्र राय। साहब, ये बताइए जो गुलाम नबी आजाद साहब ने स्टेटमेंट दिया उस पर आपका क्या कहना? कोई गुलाम नबी आजाद जी ने कोई नई बात नहीं कहा, ये तो हमारा इतिहास जो है क्लियर करता है कि यहाँ पहले कोई मुसलमान नहीं, ये सब 1100 के बाद ही यहाँ पर मुसलमान बने हैं लोग, और यह स्वाभाविक है कि पहले कोई नहीं था मुसलमान, इन लोगों के अत्याचार के चलते, प्रलोभन के चलते ही यहाँ पर, यहाँ के जो कमजोर वर्ग के लोग थे वो लोग मुसलमान धर्म को। सर नमस्कार। नमस्कार जी। साहब, ये बताएं कि गुलाम नबी आजाद साहब ने स्टेटमेंट दिया एक दो दिन पहले कि पहले आज जितने मुसलमान है पहले सब हिंदू थे, कन्वर्टेड है, इस पर आपका क्या कहना? बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, भारत में जितने मुसलमान है 90% मुसलमान जो है वो कन्वर्टेड है, 500 मुसलमान आए थे वो इतने मुसलमान कहाँ से हुए, ये सब औरंगजेब वगैरह के डर से ये बने हैं। औरंगजेब जो है पुरुषों के लिए 4 रुपए देता था और औरतों के लिए 2 रुपए देता था कन्वर्ट करने के लिए, और वो मुसलमान में कन्वर्ट हो गए, और जो कन्वर्ट नहीं हुए उन्होंने ये कानून भग्न किया, इसलिए वो भंगी कहलाए, और उन्होंने औरंगजेब से टट्टी वगैरह उठवाई उनसे सिर पे ढो करके, और भंगी बाद में पता चला कि भंगी वही थे जिन्होंने नियम भंग किया था, उसमें भंगियों में सभी जाति के लोग थे और वो बड़े बहादुर थे, उन्होंने मतांतरण के लिए मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया, इसलिए वो भंगी कहलाए। तो जो ये उसने हिम्मत दिखलाई है गुलाम नबी आजाद ने ये कह करके कि सभी जो है ये जितने भी मुसलमान है वो हिंदू रहे हैं, लेकिन उनकी कितनी पीढ़ियां मुसलमान हुए हो गई है, इसलिए अब उनको सामाजिक रूप से आने में दिक्कत हो रही है, शादी ब्याह कैसे होंगे उनके बच्चों के क्या होंगे, तो इसलिए। अच्छा साहब, ये बताएं कि एक मुस्लिम हिंदू धर्म की लड़कियों से बड़े आसानी से शादी कर लेते हैं, और एक हिंदू फैमिली है जो मुस्लिम परिवार की लड़कियों से शादी करने में डरते हैं, तो क्या हम लोग तंग दिल हैं, या हमारी संकीर्णता है, या हमारी कमजोरी है, या इसके बारे में आपका क्या कहना? ये हिंदुओं के संस्कार का प्रभाव है, हिंदुओं में शादी ब्याह जो होता है ऐसा माना जाता है कि 7 जन्म का बंधन है, मुस्लिमों में जबकि ये केवल कॉन्ट्रैक्ट है, एक समझौता है, और उनके यहाँ पे स्त्री को व्यक्ति समझा ही नहीं जाता, वहां पे प्रॉपर्टी समझा जाता है मुसलमानों में, जबकि हिंदुओं की जो लड़कियां हैं वो जो मुसलमानों से शादी करती हैं उनको भरोसा रहता है
कि ये जिंदगी भर साथ निभाएंगी और हमारे जीवन में रहेंगी। तो ये केवल संस्कारों का और हिंदू धर्म में जो डिफरेंस है हिंदू और मुसलमान में, उसका फर्क है। अच्छा ये बताइए कि अगर मुस्लिम लड़की हिंदू परिवार में आती, तो अगर लड़की हमारे सनातन धर्म में आती है तो उसको क्या दिक्कत होती है भाई? लक्ष्मी बन के आती है तब हम लोग को क्या क्यों दिक्कत आती है भाई? हमको कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि जो लड़की आती है वो स्वागत है उसका, वो अपना धर्म सीखा। और बहुत सी लड़कियां आ रही हैं हिंदू धर्म में, तो आने आने के लिए वो लालायित रहती हैं। वो समझती है कि हमारा एक ही पति होगा, चार चार कोई सौतन नहीं होंगी, और हमको जीवन भर उनको अस्तित्व का खतरा रहता है कि पता नहीं कब दूसरी तीसरी पत्नी आ जाए और वो तलाक तलाक कह करके उनको छोड़ दे। अच्छा ये बताइए कि अभी सीमा हैदर आई है, मैं सीमा हैदर से भी मिला, तो सीमा हैदर भी ये बात स्वीकार कर रही है कि मुसलमान में जिस कबीले से वो संबंध रखती है वहाँ चार चार तीन तीन शादियां करना नॉर्मली है। जिस जिस हैदर भी, हैदर की भी दूसरी शादी थी, सीमा हैदर दूसरी भी थी, तो इस पर आपका क्या कहना है? वो अपने धर्म में उसको देख रही है जो अत्याचार होता है और जो गलत है चार चार बीवियां रखने का है। मुस्लिम धर्म में भी चार बीवियां तभी रखी जा सकती है जब पहली बीवी को कोई एतराज ना हो, लेकिन वहां पे इसको कोई पूछता नहीं है कि एतराज है या नहीं है, शादियां कर लेते, कोई पूछता नहीं है उनसे। तो मुस्लिम धर्म में तो केवल वस्तु समझा जाता है, वो हिंदू धर्म से आकृष्ट हो करके उनकी अच्छाई देख करके हिंदू धर्म की, और वो उसमें घुसना चाहती है, हिंदू धर्म में घुसना, हिंदू पति को देखना चाहती है। तो आपको आपको नहीं लग रहा कि हिंदुओं को खुले दिल से ऐसी औरतों का, ऐसी लक्ष्मी का स्वागत करना चाहिए? हाँ, लग रहा पहले तो कुछ अविश्वास सा रहता है, लेकिन अगर वो उनके विचार जाने जाए और अगर वो राजी है तो उनको स्वीकार करने में कोई नुकसान नहीं है। अगर वो हिंदू बन जाती है, कोई भी लड़की जिस धर्म में चली जाती है, चाहे वो किसी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख है ईसाई, तो औरत तो फिर उसी धर्म की हो जाती है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक सीमा हैदर का सवाल है, सीमा हैदर अनधिकृत रूप से इंडिया में घुसी है, इसलिए अपने चार बच्चों के साथ, उसने वीसा नहीं लिया इस देश का, कुछ नहीं लिया, इसलिए उसका केस थोड़ा सा अलग है और वो संभवतः डिपोर्ट की जाएगी इस देश से। नहीं तो उसके वकील जो एपी सिंह है वो तो कह रहे हैं हम जाने नहीं देंगे, वो यहाँ की बहू है, बहुत सारी बातें कर रहे, वो लक्ष्मी है, दुर्गा। एपी सिंह तो बदमाश है, जो विरोध में जो आता है, जो हिंदुओं का विरोध करता है उसके ही फेवर में आ जाता है। एपी सिंह का तो इतिहास ऐसा है कि वो तो ठीक आदमी नहीं है वो। धन्यवाद। बड़े से बड़े केस तो वही लेते हैं, लेते हैं, एक होता है प्रसिद्ध होना और एक होता है बदनाम हो करके प्रसिद्ध होना। वो बदनामी से प्रसिद्ध है, वो ऐसे केस लेता है जो के हिंदुत्व के विरुद्ध हो और देश के विरुद्ध हो। वो हिंदुत्व का बड़ा सपोर्ट करते हैं वो अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए, अदरवाइज उनको कोई बड़े बड़े वोट मिलता नहीं है, वो अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए ऐसा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको दिखाया यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े क्वालिफाइड लोग हैं, और इन लोगों ने अपनी राय बड़े ही संयम रूप से रखा है, क्योंकि मैं यही जानना भी चाहता था। आज का जो हमारा क्वेश्चन था, मैं चाहता था कि बड़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि उनका क्या राय है इस पर। तो देखिए, मैंने आपको दिखाया, बड़े बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, सुलझे हुए उम्र दराज हैं, तो उन लोगों ने अपनी राय बड़ी बेबाकी से रखा है कि सब लोग जो पहले यहाँ पर, आज जितने मुस्लिम हैं सब लोग पहले हिंदू ही थे, ऐसा गुलाम नबी आजाद ने भी आज स्वीकार कर लिया, और जो हमारा इतिहास वो तो बताता ही बताता है। दोस्तों मैं तो नहीं इसमें कुछ कह सकता हूँ, ना हमारा कोई हक है, मैं तो जो पब्लिक कह रही है, जो गुलाम नबी आजाद साहब कह रहे हैं, मैंने वो बताया आपको। तो दोस्तों अब आज का न्यूज मैं यही खत्म कर रहा हूँ ये एपिसोड है। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।